अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वसिया दस्तरखान अली और वसिया दस्तरखानी बड़ी बहन जो है दोनों मिल के जरा ना तुसा की आज कच्ची आम चटनी बनाना दसा। ये बहुत जबरदस्त बननी है, तुसा एक बार जरूर ट्राई कर सो अक्सो वाकई जरा ना हाल असा की बनाना दसी है। तो मैं और मेरी बहन दोनों मिल के तुसा की रेसिपी दसन लगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ऐ में चार कच्चे अम आंदे ने, ये में दरख्तां नाल खोए ने ग्रां गई सी, उतू जरा भाजी ने कर लगाया सा, उतू चार अम खोई कर दे। तो हूँ असा इसमें पो छिलका पे लाने है, अस सारा मैं और मेरी भैन दो छिलका पियां लानिया है। तक अस सारा छिलका ले गया है, तो हूँ अस इसकी कट्टी किनसा छोटे छोटे टुकड़े छोटे बड़े जिस तरह कटोने सारा अस अंबे नीड़के ना लई किनसा। तक अस सारा पे लाने है कटने है पे तुसा भी कट्टी कि असन तक सारा कट्टी किदा है अंब एडिका ना भी सारा जरा ना लाई किदा है। तो ए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में एक लीटर पानी बस है, तो तुसा इसकी चंगा 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 जरा ना इसकी बाली के नहीं आए। ए तो कौन में सारे अंबे जरा कट्टे पीस और बानी आप और जरा ना अंबे लिटका लिटका भी तुसा कड़ी सटनिया नहीं है। इसने बहुत जबरदस्त बनी है, अद्धी चम्मच नमक पाई है। तो अस इसने बहुत तकान दे छोड़ सा, ये चंगा चंगा उबली रहा सी जिस तक था चेक करी कि मैं कड़ी की पीस हो गली गया। तो फिर जो है ना संस्की लाना है, तो ए हूं तक दो नींबू ने बड़े सहज ऐसा इसकी निचोड़ने आए पे ऐसा निचोड़ी की देने। इस नाल बहुत जबरदस्त जायका बनना है। हूँ असा नींबू का रस कड़ी लिता है, ए हूँ तक अस चमचा पे लानी है। हूँ ऐसा फिर ढक्कन दिता है, चंगे चंगे गली रस होता है। हूँ तक माशाला सुबह ने अंबा ने जोड़े छोटे छोटे पीस जोड़े बनाए कच्चे ने एक गली के ने। हूँ अस इसकी जरा ना लाई किनसा, तो ये हूँ सही लीदा बने ने गले के ने। हम पौने मदद ना अस प्लेट अच क्ढी किनसा गिटकों बिच ही रह सौ, तो गिटक फिर ठंडे पानी क्ढी करना तो छुरी मदद ना सारा जरा नाल अम लगा और लाई के मैं फिर दोबारा गिटका भी सटिया है। तो अस सारा पे कढ़ने इसने पीस है कढ़ी ही देने। तो हूँ ए गिटक तको ए हूँ गिटक जड़ियाँ ना अस फिर इन्हें कि दोबारा बस ठंडे पानी लाजमी कढ़ी के अपू अम जरा लगाया ना नाल छुरी मदद ना जरूर लाओ, तो फिर दोबारा कढ़ाई में पाए गिटक ए हूँ तक अस ग्राइंडर पाने हैं पे। तो अस इसमें चंगा चंगा पेस्ट बनाई के पेस्ट बनानी है। ए तक पेस्ट पे बनना है और छोटे अद्धा पहले पाया है अद्धा रखी गया है क्योंकि ज्यादा ना जड़ा ना मशीन जलने में खतरा आना। ऐ हूँ अस इसका चंगा 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 पेस्ट जरा ना अस इसमें बनाई के साए। ए तक हूँ अंबा गिटक जड़िया उबलनिया सियाँ पियाँ, तो हूँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस सारा इसी पेस्ट पाई के सा नाल नाल चमचा लाने रह सा। तुसा एक बार जरूर ट्राई करा क्योंकि अजकल आम जड़े ना बाजारा में कच्चे आए, तो तुसा इस तरह बनाई सकने हो जाम रब्बा जो भी है इस तरह तुसा बनाई सकने हो कच्चे आम ना। हूँ तक अस चंगा मिक्स किया है, तो हूँ अस तकरीबन डेढ़ दो गिलास जड़ा ना चीनी में बस तो नाल नाल पे चमचा लानी है। तो तुसा भी इसी तरह ना लेकिन हूँ चीनी पे बानी है तकरीबन अद्धा किलो चीनी है। तुस
ਆਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੈ ਸਕਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਬੂਹਾਂ ਨਾਲ ਰਸ ਪਈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਬੂਹ ਤਾਂ ਦੋ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਲਾ ਰਖਮਾਰੀ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸੀ ਚੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕਣਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਮਚਾ ਪਈ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਕਿਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਬੜੇ ਨੇ ਡੋਂਗੇ ਵਾਲੇ ਪਸੰਦ ਜੀ ਬਾਈ ਕਿਸਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਮਚੇ ਲਾਏ ਉਹ ਕੁਛ ਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਸਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਚਰਮਗਜ ਇੱਕ ਚਮਚ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਚਰਮਗਜ ਪੇ ਬਣੇ ਡੋਂਗੇ ਵਾਲੀ ਚਮਚ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲਾਣੇ ਪੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਧੀ ਚਮਚ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਿਰਚੀਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਿੱਠੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਚੁੱਕਾ ਲਾਣੇ ਹੈ ਪੇ ਚਮਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਅਸਾਂ ਚਾਸ਼ਨੀ ਜੀ ਬਣਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਆਏ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੂਡ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਬਾਈ ਕਰ ਅਸਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰੀ ਕੇ ਅਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਾਂ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਈ ਕਰ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਚਮਚਾ ਲਾਉਣੇ ਆ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਮਲੀ ਚਟਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਜੇ ਪੀ ਕਿਤਨਾ ਘਣਾ ਹੈ ਤਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਹੋਈ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮਲੀ ਚਟਨੀ ਤਿਆਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ ਡੋਂਗੇ ਚ ਬਾਈ ਕੇ ਇਸ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਮਾਰਿਓ ਅਸਾਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਰੱਖੀ ਛੋੜਸਾਂ। ਇਹ ਸਹੀ ਜਮੀ ਜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਤੱਕ ਬਿਟਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਬਣੇ ਪਿਆਲੇ ਚ ਬਾਈਕ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਹੈ ਪੋਤਰੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਤੱਕ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟਕਾਂ ਤਾਂ ਛੋੜਨੇ ਫਿਰ ਅੰਬਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਲਾਈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।